गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की ऑनलाइन कक्षाओं में विषय विज्ञान जूनियर स्तर। आज हम प्रश्नोत्तरी विशेषांक 6 में परमाणु मॉडल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लम पुडिंग मॉडल, बी रेजिन पुडिंग मॉडल, सी तरबूज मॉडल, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी। इसका कारण है, जे जे थॉम्सन ने कहा था कि परमाणु एक ठोस गोला होता है जो कि धन आवेशित होता है तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन धसी व्यवस्था में रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप अगर एक तरबूज को लें तो उसमें बीज धसी व्यवस्था में रहते हैं, या पुडिंग में प्लम या रेजिन धसी व्यवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर तरबूज के बीज और पुडिंग में प्लम या रेजिन इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, शो करते हैं। इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिंग मॉडल या तरबूज मॉडल तीनों ही कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10^-10, ऑप्शन बी 10^-15, ऑप्शन सी 10^-9 या ऑप्शन डी 10^-8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10^-10। रदरफोर्ड ने गणना करके ये बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बिल्कुल नगण्य होता है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10^-10 होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10^-15 होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए धनावेश, ऑप्शन बी ऋणावेश, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि धनावेश। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई तो उन्होंने देखा अल्फा कण तीन तरह से व्यवहार कर रहे थे। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जा रहे थे और कुछ उसी पथ पे वापस लौट आ रहे थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण अपने मार्ग में सीधे निकल गए, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जो अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए वो इस कारण क्योंकि उन पर प्रतिकर्षण बल लगा। अब प्रश्न ये उठा कि प्रतिकर्षण बल कहाँ से आया? वो तभी लगेगा जबकि अल्फा कणों पर और परमाणु के मध्य भाग में समान आवेश होगा। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण पर भी धनावेश चुकी होता है तो परमाणु के मध्य भाग भी धनावेशित होगा। चूँकि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र में रहता है तो उन्होंने इस भाग को नाभिक नाम दिया। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रदरफोर्ड के प्रयोग में फोटोग्राफिक प्लेट को किससे लेपित किया गया था? ऑप्शन ए ZNS, ऑप्शन बी CDS, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जिंक सल्फाइड। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में फोटोग्राफिक प्लेट को जिंक सल्फाइड से लेपित किया, जो कि एक प्रतिदीप्त पदार्थ है और अल्फा कणों के टकराने पर चमक पैदा करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर किन कणों की बौछार की? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा कण, ऑप्शन डी डेल्टा कण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फा कण। अल्फा कण धनावेशित होते हैं, तीव्र गति से चलते हैं तथा इनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को किस वैज्ञानिक के मॉडल द्वारा दूर किया गया? ऑप्शन ए जे जे थॉम्सन, बी डॉल्टन, सी नील्स बोर या डी चैडविक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नील्स बोर। नील्स बोर ने सन 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया और उनके इस मॉडल को रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी ऑर्बिट, ऑप्शन सी कोश या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर निश्चित पथ पर गति करते हैं जिसे उन्होंने कक्षा, कोश या ऑर्बिट नाम दिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि n बराबर 3 है तो उसके शेल को अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाएगा? ऑप्शन ए है k, ऑप्शन बी है m, ऑप्शन सी है n
और ऑप्शन डी है एल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एम से दर्शाया जाएगा। बोर ने अपने मॉडल में बताया कि कक्षाओं का मान हमेशा पूर्णांक में होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4 और इन्हें क्रमशः अंग्रेजी के अक्षरों के एल एम एन से भी प्रदर्शित किया जाता है जहां के का मान है 1, एल का मान होता है 2, एम का मान 3 और एन का मतलब होता है 4। अर्थात यदि एन बराबर 3 है तो उसे अंग्रेजी के अक्षर एम से दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई में एम तथा आर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आर कक्षा का व्यास। ऑप्शन बी है एम प्रोटॉन का द्रव्यमान, आर कक्षा का व्यास। ऑप्शन सी है एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आर कक्षा की त्रिज्या। ऑप्शन डी है एम प्रोटॉन का द्रव्यमान और आर कक्षा की त्रिज्या। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, r बराबर कक्षा की त्रिज्या। इस सूत्र में m का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, r का मतलब है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है उसकी त्रिज्या, n का बराबर होता है 1, 2, 3, 4 या 5। अगर पहली कक्षा में है तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरी में 2 और तीसरी में 3। हमारा 10वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए ऊर्जा अवशोषित होती है, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऑप्शन सी पहले उत्सर्जित होती है फिर अवशोषित, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जब वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो वो अपने से निम्न कक्षा स्तर में चले जाते हैं और जब वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो अपने से उच्च कक्षा स्तर में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित करने पर वो उससे नीचे की कक्षा में आ जाएगा, इसी तरह वो ऊर्जा अवशोषित करने पर उससे ऊपर की कक्षा में चला जाएगा। बच्चों आशा है आपको ये प्रश्नोत्तरी विशेषांक रोचक लगा होगा, इसे अपनी कॉपी में लिखें और अभ्यास करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।